ये क्या कर रहे हो भाई साहब आप? अबे तू पागल पागल हो गया क्या? बिना जान पहचान के मेरे पे और मेरी गाड़ी पर रंग लगा रहा है। साले तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे? पूरी गाड़ी खराब कर दी मेरी। अच्छा तो ये तेरी गाड़ी है, मुझे तो पता ही नहीं था। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तेरे बाप की गाड़ी नहीं है ये जो इस पर रंग लगाया जा रहा है? अबे मेरे बाप की ना सही, तेरे बाप की तो है ना। मेरा जहां मन करेगा वहीं रंग लगाऊंगा। देख तू जानता नहीं है किससे पंगा ले रहा है, सीधी तरीके से मेरी गाड़ी साफ कर दे वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या मैं साफ करूं? अबे ये गाड़ी मेरी थोड़ी है जो मैं साफ करूं इसे। मैंने तो तेरा मुंह भी गंदा कर दिया, अब तू बोलेगा मेरा मुंह साफ कर। अबे तेरे बाप का नौकर थोड़ी हूं मैं, क्यों करूं साफ? लेकिन तू है कौन बे, और मेरी गाड़ी को इस तरह खराब करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अबे मैं कोई भी हूँ, मुझे ये गाड़ी रंग लगाने के लिए मिली, मैंने इस पे लगा दिया, और तुझे इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। किसने भेजा है तुझे? क्या नाम है उसका? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक, भाग तो कहाँ है? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरी गाड़ी पर रंग लगाया, मेरे चेहरे पर रंग लगाया? तुझे क्या लगा तू मुझे बेवकूफ बनाकर भाग निकलेगा? बेटा आज तो तेरी खैर नहीं। अरे वाह, आज तो शिकार मेरे जाल में फंसी गया। शिकार? तू है कौन और मुझसे क्या चाहता है? शिकार अभी पता चल जाएगा। बाबा इधर आना। पहचाना इन्हें? ये अंकल तो बाबा हैप्पी होली। अरे भाई साहब आपने ये क्या किया? अगर रंग ही लगाना था तो थोड़ा सा लगा देते, पूरा मुंह क्यों खराब कर दिया? इसकी क्या जरूरत थी? आप देख रहे हो ना मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा थोड़ा सा लगाऊं? रुक अभी लगाता हूँ। अरे साहब रहने दो प्लीज, ऐसा मत करो। साहब आप कपड़ों से पढ़े लिखे लग रहे हो, अरे ऐसी बदतमीजी करते हो आपको शोभा नहीं दे रहा। अबे बुड्ढे तेरी इतनी औकात, तू मुझसे जुबान चलाएगा? देखो साहब माफी मांगो वरना आपकी शिकायत मुझे करनी पड़ेगी। क्या तू मेरी शिकायत करेगा? जानता है मैं कौन हूँ? तू जिसके कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है वो मेरा भाई है। एक फोन लगाऊंगा ना तो तेरी नौकरी अभी के अभी चली जाएगी। अपने काम से मतलब रख, चल निकल यहाँ से। अरे उठिए अंकल, आप ठीक तो है ना? अंकल आप चुप हो जाइए, रोइए मत, मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ये कभी भूलेगा नहीं। ठीक है बेटा। सारी हैकड़ी निकल गई ना, अब कर फोन, निकाल इन्हें नौकरी से। जरा हम भी तो देखें तेरी पहुंच कहां तक है। हम लोग इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और ये बेचारे गरीब लोग बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। ना तो इनके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और ना ही बदतमीजी। और जिन पर तुमने हाथ उठाया है वो एक ऐसे योद्धा हैं जो हमारे फेंके हुए कचरे को हटाकर हमें साफ रोड साफ इन्वायरमेंट देते हैं, इसी वजह से बीमारियां नहीं फैलती, समझे तुम? अंकल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, जबरदस्ती रंग लगाया। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज अंकल मुझे माफ कर दो। बेटा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। और हाँ बेटा हैप्पी होली। एक मिनट भाई साहब,